हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके ओडिशा। सांग माने, आज आम कंप्यूटर उपर किसी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। जो क्वेश्चन आमर ओ ट्रिपल एसी रो फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर पाई कि बहुत बहुत इंपोर्टेंट रहुची। वीडियो को आपन शेष पर्यंत देखंतु। जदि भी आपण मानक यार पीडीएफ दरकार, आपण माने आम जीके ओडिशा टेलीग्राम चैनल जॉइन होइकि यार पीडीएफ टी को पाई परिवे। आमे जदि देखिबा आजिरो वीडियो कोनोसी पर्टिकुलर एग्जाम पई नुए, काहेकि ना आमर ओडिसा गवर्नमेंट रो जते भी एग्जाम होउची, प्रत्येक एग्जाम रे आमर कंप्यूटर उपर क्वेश्चन आसुची। सेति पई कि प्रत्येक एग्जाम पई कि इम्पोर्टेंट रहउची। आमे ऑलरेडी आपण मानकु 15 गोटी पार्ट प्रोवाइड करि दैचु। ई होउची आमर पार्ट नंबर 16। जदि आपण 15 गोटी पार्ट रो कोनोसी पार्ट को मिस करिसेंदि बा कोनोसी पार्ट को देखिनाती, आम प्लेलिस्ट रे विजिट करकि 15 गोटी पार्ट वीडियो आपण पाई परिबे। मु आपण मानकु सांग माने प्रत्येक क्वेश्चन को ओडिया रे ट्रांसलेट करके कहूँ, आपण माने बुझिबा को चेष्टा करंतु। बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज रो वीडियो रे अछि। एवं मु आपण मानकु कहिछि आमर फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम भितरे आपण मानकु मु 1000 रो कंप्यूटर क्वेश्चन प्रोवाइड करिवि, जे कि आमर गुटी वर्तमान सीरीज चालिछि। तेबे चालंतु आज रो प्रथम क्वेश्चन टिकु आमे आरंभ करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु, क्वेश्चन नंबर 301, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। देखंतु एटी पिला प्राय कन्फ्यूजन होती, जे कि एटी क्वेश्चन टी कौन कहि देखंतु कंप्यूटर साइंस। जदि आपन को पचार था हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर फादर किए, आपण माने कहि थांदे चार्ल्स बैबेज। किंतु कंप्यूटर साइंस कथा पचार छि कौन कहबे ना, ऑप्शन ए एलन ट्यूरिंग। ठीक अछि, एलन ट्यूरिंग जे कि कंप्यूटर साइंस रो जनक, जे कि फादर बोली कहा जाए एलन ट्यूरिंग को। किंतु केवल कंप्यूटर कंप्यूटर रो फादर कथा पचारथिले आपण कहिथंदे चार्ल्स भावेस हेउचंती कंप्यूटर रो फादर बा जनक। ठीक अछि, चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, क्वेश्चन नंबर 302। एठी क्वेश्चन टी कहू छी द बेसिस आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। देखंतु क्वेश्चन कहू छी कि कंप्यूटर रो बेसिक आर्किटेक्चर किए डेवलप करथिले, कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर किए डेवलप करथिले। करेक्ट आंसर कौन है कहतु, कौन है ना, ऑप्शन डी जोन वन न्यूमैन। ठीक अच्छे, जोन वन न्यूमैन जे कि आमर कंप्यूटर आर्किटेक्चर डेवलप करथिले। क्लियर, जे कि ऑप्शन डी हे जीवो करेक्ट आंसर। जहाँ भी आपण मानकर प्रॉब्लम रहउछि, आपण माने हमको कमेंट करंतु, आमे निश्चय चेष्टा करिवु आपणकर प्रॉब्लम टाकु क्लियर करबा पाइं। क्वेश्चन नंबर 303 देखंथ, एठी कोन पचारला क्वेश्चन टी हमको कहू छी, हु वाज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। देखंथ क्वेश्चन टी कहू छी कि कंप्यूटर हिस्ट्री रे प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर के थिले, बुझि पाइले। आमर जो कंप्यूटर हिस्ट्री रे जे कि प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर किए थिले, करेक्ट आंसर कौन है कहतु 303 रो, आपण माने कहबे ऑप्शन सी आडा लवलेस जे कि कंप्यूटर हिस्ट्री रे प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर थिले, जे कि ऑप्शन सी हे जीवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, क्वेश्चन नंबर 304, कंप्यूटर कौन समस्त एटा जानिछंती, समस्त कहबे ऑप्शन सी हे जीवो करेक्ट आंसर। कंप्यूटर होजु गोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जे कि ऑप्शन सी हे जीवो हमरो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, क्वेश्चन नंबर 305, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। देखंतु ए जो निम्नलिखित मानक मध्यरु केउटा गोटे कोन नथिला ना, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नथिला, करेक्ट आंसर कोन हेबो ना, ऑप्शन डी एबीसी जे कि हमर गोटिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नथिला। क्लियर सांग माने, ए टाइप रो क्वेश्चन ही हमर एग्जाम रे आसुची, एवं हमर आसीबो भी मध्य। आपण माइंड रे गोटे जिंस रखंतु, आपण माने भाबिबे सर आपण उपरे आरआई पई कि हमर थनेल उपरे लेखिनाती माने आरआई पई इंपोर्टेंट रहिबोनी ना, ये प्रत्येक एग्जाम पई इंपोर्टेंट रहिबो। काहे कि ना हमकु सिलेबस वाइज कंप्लीट करिवार अछि, सिलेबस वाइज जदि हमें कंप्लीट करिवा तबे ये प्रत्येक एग्जाम पई कि इंपोर्टेंट रहिबो। ठीक अछि, जे कि हमर एबीसी टा जे कि गोटिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नुहे। क्लियर, चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, क्वेश्चन नंबर 306, द न्यू नेम ऑफ फेसबुक, फेसबुक रो नुआ नाम कोन।
करेक्ट आंसर कौन है ना ऑप्शन सी मेता। ठीक अच्छे मेता जैक आम फेसबुक रोचे गोटे न्यू नेम बा नुआ नाम। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 307 हुई ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हुई ऑफ द फॉलोइंग टैक्स ए कंप्यूटर कैन डू कौन कौची ना क्यों टैक्स कंप्यूटर करिपार निम्नलिखित मानक क्यों टैक्सटा जे कि कंप्यूटर करिपार करेक्ट आंसर कौन हम 307 ना ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। देखु आमर कंप्यूटर जे कि कैलकुलेशन भी मध्य करि पारे प्रोसेसिंग भी मध्य करि पारे स्टोरिंग डाटा डाटा को स्टोर भी मध्य करि पारे कंप्यूटर ता माने ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव हो जइबो आमर करेक्ट आंसर क्लियर। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 308 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडम। ठीक अछि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडम करेक्ट आंसर कोन हेबो 308 रो आपन माने कहबे ऑप्शन ए मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर हो जाऊ मॉडम रो फुल फॉर्म जे कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 309 फिपो स्टैंड फॉर्म। देखंतु आमुक एटी फिपो रो फुल फॉर्म पचारि छि फिपो स्टैंड फॉर फिपो रो फुल फॉर्म कोन हेबो कोंतु आपन माने कहबे ऑप्शन ए फास्ट इन फास्ट आउट फिपो रो फुल फॉर्म हे जाऊ छि फास्ट इन फास्ट आउट क्लियर। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अछि ये सब आपन नोट करके रखंतु क्वेश्चन 310 कहू छि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। देखंतु निम्नलिखित मध्यरु केउ प्रोग्रामिंग निम्नलिखित मानक मध्यरु केउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज क्लासिफाइड करिछि बा करा जाय बुझि पाइले आमर जो ऑप्शन ए बी सी डी दे छी चारटा ए आमर निम्नलिखित मानक मध्यरु केउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज रे क्लासिफाइड करा जाय करेक्ट आंसर कोन हेबो कोंदु ना ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज रे क्लासिफाइड करा जाए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 311 व्हिच मेमोरी हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम कौन कहूँ ना क्यों मेमोरी रो एक्सेस टाइम बहुत शॉर्ट अटे क्यों मेमोरी रो एक्सेस टाइम टा बहुत शॉर्टेस्ट अटे करेक्ट आंसर कौन है ऑप्शन ए ऑप्शन ए जे कि हमर केस मेमोरी के ठीक अच्छे केस मेमोरी टा जे कि हमर उठे शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम रे ये हुए। ठीक अच्छे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 312 चूज द ऑड वन आउट निम्नलिखित मानक मध्यरु केउडा गोटिए ऑड अटे करेक्ट आंसर कोन हेबो कहबो ना ऑप्शन डी अजेमल। ठीक अच्छे देखंतु एटा कोन पाए कि हमर ऑड हैला आपण माने कोंतु देखंतु ई जो अजेमबर रहिला आपण मानको कहली ई होची गोटी कोन ना लैंग्वेज ल ट्रांसलेटर कोन ना लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक अछि अजेमबर रहउची गोटी हमर गोटी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करे किंतु ई जो ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी रहिला ई होची गोटी गोटी लैंग्वेज ये हूँ गोटे गोटे लांगुएज किंतु ऑप्शन डी हो जाऊर ये गोटे लांगुएज को ट्रांसलेट करे जे कि ऑप्शन डी हो जाए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 313 डैश इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम केउटा गोटे आमर कौन ना ऑपरेटिंग सिस्टम रो एग्जांपल करेक्ट आंसर कौन है कहतु ना ऑप्शन ए लिनक्स लिनक्सटा हो गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल क्लियर। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 314 यू आर एल स्टैंड फॉर हमर यू आर एल ऑफ फुल फॉर्म पचार छि करेक्ट आंसर कोन हेबो ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हेउची यू आर एल ऑफ फुल फॉर्म ऑप्शन सी हे जिवो हमर करेक्ट आंसर। सब मन रखुथिबे जमा भी भूलिबा को चेष्टा करंथुनि थरे देखि दियंतु आउ थरे रिविजन पई कि देखि दियंतु तापर पीडीएफ मु आपन मानकु प्रोवाइड कर देबी आपन माने पीडीएफ आनि सैला परे तको आउ थरे देखि देबे बहुत इम्पोर्टेंट रहिबो बा आपनकर पुला मने रहि जिवो। क्वेश्चन नंबर 315 कहउची मॉनिटर इज एन एग्जांपल ऑफ मॉनिटर कहार गोटिए एग्जांपल करेक्ट आंसर कोन हेबो कोंदु
कौन है ना ऑप्शन सी आउटपुट डिवाइस मॉनिटर गोटे होची हमरो आउटपुट डिवाइस डिवाइस आउटपुट डिवाइस रे गोटे एग्जांपल क्लियर चलंतु देखन संग माने ये जो हमरो इनपुट आउटपुट देची अपन माने एग्जाम रे देखिबे निश्चय हमरो इनपुट डिवाइस एवं आउटपुट डिवाइस ऊपर क्वेश्चन अपन देखिबा को पाइबे पूरा कंपलसरी नोट करके रखंतु क्वेश्चन नंबर 316 देखंतु कोन कहिला ना ए कंप्यूटर कंसिस्टिज ऑफ कोन कहउची ए कंप्यूटर कंसिस्टिज ऑफ जे कि कंप्यूटर रे कोन कोन इंक्लूड होई कि थाए कंप्यूटर रे कोन कोन इंक्लूड होई कि थाए कोंतु सीपीयू मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इनपुट आउटपुट कहला माने हमर जत्ते भी सब इनपुट डिवाइस रहिला बा जत्ते भी सब आउटपुट डिवाइस रहिला बुझि पाइले त एटी करेक्ट आंसर कोन हेबो आपण माने कहबे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जे कि कंप्यूटर रे हमर सीपीयू रहउची मेमोरी रहउची आ जत्ते भी हमर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस रहला से भी मध्य रहउची जे कि ऑप्शन डी हे जीव हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 317 व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल सेव ऑफ इन एमएस वर्ड 2010 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 रो फाइल सेव एक्सटेंशन कोन थिला कहूँ एटी क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 रे जो हमर फाइल सेव रो एक्सटेंशन कोन करेक्ट आंसर कोन हेबो कोंतु ना ऑप्शन कोन हेबो बी डॉट डी ओ सी एक्स डॉट डॉक्स जे कि हमर थिला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 रो एक्सटेंशन जे कि ऑप्शन बी हे जीव हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 318 द एक्टिव सेल कौन कहला ना द एक्टिव सेल इज डैश देखंतु क्वेश्चन कहो कि एक्टिव सेल गोटिए कौन एक्टिव सेल गोटिए कौन करेक्ट आंसर कौन करिवे कहबे आपण ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी देखंतु बी कौन देजी बी कहला कि हमर को इज आइडेंटिटी बाय बोल्ड बॉर्डर अराउंड द सेल त माने कौन देखंतु जेउ सेल एक्टिव रहे ता बॉर्डर रे अराउंड देखा जाए ठीक अछि तापर कहला कि रिसीव द डाटा द यूजर एंटर यूजर जहाँ भी डाटा एंटर करिवो ता सेल रे फाइल हो कोन ना फिल हो जीवो एया को हमें कहिबा एक्टिव सेल जे कि ऑप्शन डी हे जीवो हमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 319 देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्शन ब्रेक ऑप्शन कौन कहला ना आमर जो रहिला कि सेक्शन ब्रेक ऑप्शन केउटा नुहे निम्नलिखित मानक मध्यरु केउटा जे कि आमर सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नुहे करेक्ट आंसर कौन हेबो ना ऑप्शन बी प्रीवियस पेज जे कि आमर गुटी कौन ना सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नुहे ठीक अछि चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 319 गला 320 देखंतु स्टोरेज इज आल्सो नोन एज कौन ना स्टोरेज इज आल्सो नोन एज स्टोरेजटा हमर को कौन कहबा हमर जो स्टोरेजटा को हमें कौन कहबा आपण माने कहबे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव ता माने स्टोरेज को हमें ऑल ऑफ द कहबानी जे कि हमर ऑप्शन रे तीनोटी जांग हबो कौन हबो ना सेकेंडरी स्टोरेज हबो ऑक्सिलरी स्टोरेज हबो मास स्टोरेज हबो ए तीनटा स्टोरेज होची हमर स्टोरेज रो नाम ऑप्शन डी हे जीव जे कि करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 321 क्वेश्चन कौन कहूँ ना द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेट हेल्प इन असेसिंग ऑल द इनफॉरमेशन अवेलेबल ऑन द वेब इज कॉल्ड कौन कहला क्वेश्चन देखंतु द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेट हेल्प गोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टा आमर हेल्प करे कौन करिवारे ना असेसिंग ऑल द इनफॉरमेशन सब इनफॉरमेशन अवेलेबल करिवारे हमको जोटा हेल्प करे बा हेल्प करे ताकू आमे कौन बोली कहिबा 321 रो करेक्ट आंसर कौन हेबो कोंतु ना ऑप्शन सी वेब ब्राउजर आमे ताकू वेब ब्राउजर बोली कहिबा जे हमकु सब अवेलेबल कोन करे ना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करे बा असेस करे बारे सहाय्य करी थाए जे कि ऑप्शन सी हे जीव हमर करेक्ट आंसर नंबर 322 देखंतु क्वेश्चन टी कोन पचारुची द मोस्ट कॉमन मींस ऑफ ट्रांसफरिंग वायरस टू योर सिस्टम इज देखंतु क्वेश्चन एठी हमकु पचारिला सिस्टम रे वायरस ट्रांसफर करबा को करी बार कॉमन उपाय कोन
करेक्ट आंसर कौन है कहतु आपण मैंने कहे ऑप्शन बी ईमेल। ठीक अच्छे ईमेल हूँ गोटे कॉमन उपाय जे कि आम सिस्टम रे आम भाइरसटा को ट्रांसफर करने को ऑप्शन बी होमर ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 223 द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विथ ए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। क्वेश्चन कौन कौन ना स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट रो नेम एड्रेस को कंबाइन करिबार एबिलिटी को कौन कहा जाए कौन ना गोटे स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट रो जे कि हमर गोटे कौन रहला ना नेम रहला एवं एड्रेस रहला आकु हमें कंबाइन करिबार हमर एबिलिटी टा को कौन बोली कहिबा करेक्ट आंसर कौन हेबो कोंतु 323 रो आपण माने कहबे ऑप्शन ए मेल मर्ज हो सठिक उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 324 फॉर्म हुई मेनू डज द यूजर हैव टू सिलेक्ट द पेज सेटअप ऑप्शन टू स्पेसिफाई मार्जिन इन वार्ड। कौन कहला ना वार्ड रे मार्जिन स्पेसिफाई करिबा पाई कि यूजर को केउ मेनू रे पेज ऑप्शन सेटअप करिबा को पड़े बुझी पाइले आमर वार्ड रे मार्जिन स्पेसिफाई करिबा पाई कि गोटी वार्ड रे मार्जिन स्पेसिफाई करिबा को हेले जे कि हमर यूजर मानकु केउ मेनू पेज को ऑप्शन सेटअप करिबा को पड़े करेक्ट आंसर कौन हेबो कोंतु 324 रो ऑप्शन ए फाइल। ठीक अछि ऑप्शन ए हे जीव हमर करेक्ट आंसर फाइल मेनू को सेटअप करिबा को पड़े ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 325 देखंतु संग माने क्वेश्चन टी कहू कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ नेटवर्क। देखंतु जो ऑप्शन ए बी सी डी ई दे छि निम्नलिखित मानक मधरु केउटा गोटी हेउछि नेटवर्क करेक्ट आंसर कौन है कहतु 325 रो आपण माने कहबे ऑप्शन ई ऑल ऑफ द एबव लैंड वन पैन मैन पैन ये सब हेउची हमर गोटिए कौन ना नेटवर्क जे कि ऑप्शन ई हे जीव करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 326 हाइपरलिंक इज डैश। कौन कहला ना हाइपरलिंक इज डैश जे कि हाइपरलिंकटा गोटे कौन आपण माने कहबे ऑप्शन सी ब्लू टेक्स्ट विथ अंडरलाइन। ठीक अच्छे हाइपरलिंक हेउची गोटिए ब्लू टेक्स्ट विथ अंडरलाइन ऑप्शन ए हे जीव करेक्ट आंसर जे कि हमर हाइपर गोटे लिंकटा को देखिए सेटा ब्लू कलर थिबो विथ अंडरलाइन रे थिबो सेटा को आमे कहबा हाइपरलिंक जे कि ऑप्शन सी हे जीव करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 327 द स्टोरेज व्हिच इज रिटेन इट्स डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। क्वेश्चन टी कहूँ क्यों स्टोरेज आम डाटा को पावर ऑफ हेला परे भी डाटा को रिटेन करी थाए ताकू आमे कौन कहिबा क्वेश्चन टी बुझी पाइले क्वेश्चन टी कहूँ कि द स्टोरेज व्हिच इज रिटेन इट्स डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। जेउ स्टोरेज बा केउ स्टोरेज आम डाटा को पावर ऑफ हेला परे भी डाटा को जे कि हमकु रिटेन करी थाए ताकू कौन कहिबा बा ताकू केउ स्टोरेज बोली कहिबा 327 रो करेक्ट आंसर कौन हेबो ना ऑप्शन सी ताकू आमे कहबा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज बोली कहिबा ऑप्शन सी हे जीव हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 328 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम। रोम रो फुल फॉर्म कौन हेबो ना ऑप्शन ए रीड ओनली मेमोरी। रोम रो फुल फॉर्म हेउची रीड ओनली मेमोरी जे कि ऑप्शन ए हे जीव हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 329 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज ओनली इनपुट डिवाइस। देखंतु एठी हमको तीन तीन टा देछि जे कि ऑप्शन सेट ए सेट बी सेट सी सेट डी ए चारोटी मध्यरु केउ सेटटा गुटिए हमर कोन हेबो ना इनपुट डिवाइस करेक्ट आंसर कोन हेबो कोंतु 329 आपण माने कहबे ऑप्शन ए माउस हेउची गुटिए हमर इनपुट डिवाइस कीबोर्ड हेउची हमर गुटिए इनपुट डिवाइस स्कैनर हेउची गुटिए हमर इनपुट डिवाइस जे कि ऑप्शन ए हे जीव हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 330 देखंतु जे कि आज शेष प्रश्न क्वेश्चन टी कौन कहू ना द लोकेशन ऑफ द रिसोर्स ऑन इंटरनेट इज गिवेन बाय। क्वेश्चन कहू कि इंटरनेट रे रिसोर्स रो लोकेशन कहा द्वारा दिया जाए आमर इंटरनेट रे ए जो रिसोर्स रो लोकेशन टा कहा द्वारा दिया जाए थाए करेक्ट आंसर कौन है कहतु 330 रो आपण माने कहबे ऑप्शन बी यूआरएल द्वारा इंटरनेट रे रिसोर्स रो लोकेशन टा दिया जाय थाए जे कि ऑप्शन बी हे जाउची हमर करेक्ट आंसर। सांगो माने ये थिला हमर 30 क्वेश्चन जे कि आपण मानकु एग्जाम रे बहुत बहुत हेल्प करिवो। वीडियो को आपण शेष पर्यंत देखंतु जदि वीडियो टी आपण मानकु भलो लागुची
तबे चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, लाइक करके वीडियो को आपन को सांगसाथी मानन को शेयर करंतु। मु बहुत जल्दी आपन मानन पई नेक्स्ट पार्टी नै आसुची। जय जगन्नाथ।